हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल देसी पिजन लवर्स में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, कुछ भाई के कमेंट्स आए थे मुझे कि भाई आप कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं, हमें बताइए। तो मैं बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और जो भाई मुझे कमेंट्स करते हैं उनका भी रिप्लाई मैं जल्द ही कर देता हूँ। जो भी कुछ पूछते हैं मुझसे, मैं उनका रिप्लाई जल्द ही देता हूँ। और जो भाई चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आज आपको बताते हैं मैं अपना दाना पानी कैसे करता हूँ, और कबूतर को सर्दी में दाना पानी कैसे करें, क्या दें क्या ना दें। और ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये ट्रे है, मैं ट्रे में रोटी डालने लगा हूँ। ठीक है, ये देख ले, बहुत चाह से कबूतर खाएंगे रोटी। ठीक है दोस्तों, ये देखे, अब मैं रोटी कबूतरों को देने लगा हूँ। ये देखे कैसे टूट के पड़ रहे हैं, ये देखे दोस्तों। दाना जब भी दें ट्रे में दें, ठीक है दोस्तों, ये देख लें, मैं भी ट्रे में दे रहा हूँ सर्दियों में, क्योंकि कबूतर के जो हालात हो जाते हैं वो बहुत ही, इसी सर्दियों में ही वायरस का ज़्यादा चांस होता है, कबूतर ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दें आप रोटी सुबह के टाइम। हालांकि देखिए, मैं कबूतर लेट ही खोलता हूँ, 11-12 बजे कबूतर को दाना देता हूँ सुबह के टाइम, और शाम के टाइम 4 बजे, 4:30 बजे अंदर दाना देता हूँ कबूतरों को। तो ये तो दाना दे दिया मैंने इसको, अब दूसरे लॉफ्ट की तरफ भी चलते हैं। ये देखे दोस्तों, दूसरे लॉफ्ट में भी मैं दाना दे रहा हूँ कबूतर को, बहुत ही चाह से खाएंगे ये। ये देखें, जब ये खा के हटेंगे तो फिर ये पेयर आके खाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने दाना कबूतरों को दिया, रोटी दी सुबह के टाइम में, तो आप भी कोशिश करा करें कि रोटी ही दें अपने कबूतरों को सुबह के टाइम में, और शाम के टाइम में मिक्स दाना दें। अच्छा, दाना खिलाने के बाद ठीक 10 मिनट के बाद ही मैं पानी देता हूँ, आप भी वैसा ही करें। ठीक है, तो पानी कैसा देना है अपने, ये मैं आपको बताता हूँ। ठंडा पानी कबूतर को ना दें सर्दियों में, ठंडा पानी देने से ये हुआ कि कबूतर आपके ठंड में आ जाएंगे, ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। कुछ दोस्तों का कमेंट्स भी था मुझे कि भाई मेरे कबूतरों को सर्दी हो गई है, तो भाई यही प्रॉब्लम है, आप दाना पानी करके छोड़ देते हैं पानी वहीं पे, इसलिए आपके कबूतर वही पानी पी पी के ठंडे हो जाते हैं ज़्यादा। इससे क्या होता है कि कबूतरों को जल्दी सर्दी पकड़ ले हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी गलती ना करा करें। तो आप पानी जो देते हैं वो पानी आप ताज़ा पानी दें, जैसे ताज़ा पानी आप मोटर चलाते हैं, मोटर चला के ताज़ा पानी निकालते हैं, थोड़ा गर्म पानी रहता है वो पानी दें आप अपने कबूतर को, बाकी टैंक का पानी ना दें, जिससे आपके कबूतर ठंडी में ना नहीं आएंगे। और कुछ भाई का ये भी कमेंट था कि भाई मेरे कबूतर सोखरे में आ रहे हैं, तो भाई आप घबराए ना, ठीक है। और मैं इस सर्दी में आपको कुछ, कल की वीडियो में आपको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा, ऐसा मेडिसिन बताऊंगा कि आप सर्दी में कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, आपकी सर्दी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, और बस वही मेडिसिन ही आपको देना है मिला मिला के पानी में, और कुछ नहीं करना है। वो मेडिसिन मेरे पास कल आएगी, और आपको एक शख्स से कल मैं आपको मिलवाऊंगा, और वो शख्स जो है अभी ट्रेन पे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल पे वो कबूतरबाजी करते हैं, और
उनका जो लॉफ्ट है वो बॉर्डर की तरफ पड़ता है, बॉर्डर मतलब कश्मीर बॉर्डर, वहाँ से वो रहते हैं वहाँ, और वो आ रहे हैं मेरे पास, तो उनसे भी उनका भी इंटरव्यू भी करेंगे और कुछ आपके लिए बातें भी पूछे जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप घबराएं नहीं, बस एक दिन का वेट करें। कुछ मेडिसिन भी मैंने मंगाई है वहाँ से, वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ रिंग्स हैं, रिंग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने करना यही है कि जब दाना पानी करते हैं तो कबूतर को पानी ताज़ा दें और पानी पिला के आप अपने लॉफ्ट के अंदर पानी ना छोड़ें, वो पानी उठा के बाहर कर दें। ठीक है, आप सुबह करते हैं सुबह भी वही करें, शाम करते हैं शाम को भी वही करें, पानी पिला के कबूतरों को पानी हटा दें, पानी छोड़े ना। ठीक है दोस्तों, इससे बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन कबूतरों में हो जाता है, जल्दी ही इन्फेक्शन पकड़ लेता है इससे। ठीक है दोस्तों, तो जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैं पानी ताज़ा कैसे देता हूँ, पिला के कैसे कबूतर को पानी हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखे दोस्तों कबूतर सब कैसे दाना खा रहे हैं, अभी दाना ही खा रहे हैं, तो जब दाना खा के हटेंगे तो मैं इनको ठीक 5-10 मिनट के बाद पानी भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लें आप, अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों आपको मैं, ये देखें, ये वो मिट्टी है जो कि मैंने आपको बताई थी बनाने के लिए, और बहुत से दोस्त पूछते भी हैं मुझसे, आप देख लें यही वो मिट्टी है किस तरह की मैंने बनाई है, और इसमें सब वो मसाले डाले हैं मैंने। ठीक है, कबूतर खा भी रहे हैं, ये बिट देखें इस तरह की कुछ बिट कर रहे हैं, ये देख ले इस तरह के बिट भी कर रहे हैं कबूतर। ठीक है दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है, बस इसी तरह आपको दाना पानी करना है। तो ये देखे दोस्तों कुछ इस तरह से गर्म पानी आपको देना है कबूतरों को, ये देख ले, मैं यही गर्म पानी कबूतरों को देता हूँ। तो ये देखे दोस्तों, अब मैं पानी देने लगा हूँ कबूतरों को, ये देखो ये गर्म पानी, इसे बोलते हैं गर्म पानी भी, और कबूतर बहुत चाव से पियेंगे भी, पी के जब हटेंगे सब कबूतर पी लेंगे, जब हट जाएंगे तो ये पानी आपको बाहर निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इसी तरह आपने भी करना है सर्दियों में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।